ये है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। आज हमारा टॉपिक है, हम एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकाल रहे हैं कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे होता है वहां पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी एनर्जी होती है। इसी को बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं, एनर्जी डेंसिटी। मतलब हम एनर्जी डेंसिटी फाइंड करने वाले हैं। अब ध्यान से सुनो कैसे करते हैं। सबसे पहले ये है एक कंडक्टिंग स्फीयर जो चार्ज है, इस पर चार्ज है। तो आपने पढ़ा था बच्चों इस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट बाहर की तरफ। ये प्रेशर कहां लग रहा होगा, बाहर की तरफ। इस प्रेशर की वजह से एक फोर्स बन लग रहा होगा इसमें, ये भी आउटवर्ड्स हो रहा होगा, आउटवर्ड्स फोर्स एफ। अब प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला इलेवन में पढ़ा है ना, इजी फॉर्मूला, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, प्रेशर इनटू एरिया। तो प्रेशर है हमारे पास, तो इस प्रेशर की वजह से जो ये सब तरफ से बाहर की तरफ लग रहा था, तो इस प्रेशर की वजह से जो फोर्स डेवलप हो रहा है आउटवर्ड्स डायरेक्शन में, वो हम पी इंटू ए से फाइंड कर सकते हैं। तो पी तो हो जाएगा अपना सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और ए इज द एरिया ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द कंडक्टर। इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर इज आर, दिस इज द रेडियस ऑफ कंडक्टर स्मॉल आर, then the area of the conductor is 4 pi r square. This is the pressure and this is the force exerts on the surface of the conductor. Clear है कहानी? पहले pressure, क्योंकि charge surface पर pressure लगता है, ये पिछले topic में देखा था। उस pressure से जो thrust बनेगा या force, normally जो force बनेगा वो pressure into area से आएगा। pressure का formula यहाँ से पटका और area 4 pi r square हो गया इसका। तो इतना फोर्स लग रहा है बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स डायरेक्शन में बाहर की तरफ, जिससे इसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट हो सकता है। हम क्या करते हैं, हम उल्टा काम करते हैं, हम इसको कंप्रेस करते हैं चारों तरफ से और इसको एक नई पोजीशन इसमें ला देते हैं, दबा दबा के इसको इतना दबा दिया जाता है, कंप्रेस कर दिया जाता है। तो यहां से यहां तक जितना आपने इसको कंप्रेस किया है, ये डिस्टेंस है डी आर। मान लो आपने डी आर कंप्रेस कर दिया इस कंडक्टर को, सपोज करो, तो dr जब आप इसको दबाओगे तो बाहर की तरफ जो फोर्स लग रहा था आपको उस फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। तो जो वर्क आप करोगे वो कैसे निकलेगा, dw वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये तो फोर्स है जो लग रहा था, इसी फोर्स के अगेंस्ट आपने वर्क किया है और कितना डिस्प्लेसमेंट किया आपने, dr। तो वर्क निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो dw इज इक्वल टू हो जाएगा, फोर्स की वैल्यू यहां से आएगी सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr। अब ये जो 4 पाई आर स्क्वायर इनटू dr है, इसके बारे में समझ लो, अगर ये समझ लिया तो कंप्लीट है काम। 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड dr इज द डिस्प्लेसमेंट। व्हेन वी मल्टीप्लाई a एंड डिस्प्लेसमेंट d, देन वी गेट वॉल्यूम। क्लियर है? आप भले ही सिलेंडर का वॉल्यूम देख लो, सिलेंडर के वॉल्यूम में भी एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर और उसकी जो लेंथ होती है एच, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वॉल्यूम आ जाता है एक सिलेंडर का। तो किसी भी स्ट्रक्चर का वॉल्यूम निकालने के लिए उसके पूरे एरिया में उस जितने का वॉल्यूम निकालना है उतनी लेंथ को मल्टीप्लाई कर दो, हमें इतना वॉल्यूम चाहिए। यही वॉल्यूम का डिक्रीजमेंट हुआ है ना, तो इतना वॉल्यूम निकालना है। ये वॉल्यूम कितना हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर। 4 पाई आर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डी आर इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉल पार्ट, देन दिस इज इक्वल टू द डीवी। व्हाट इज डीवी, डीवी इज द डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम। जब आप किसी कंडक्टर को प्रेस करोगे तो प्रेस करने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज। तो ये जो डिक्रीजमेंट इन वॉल्यूम है वो है डीवी, और इसके इसका फॉर्मूला क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो इसकी जगह अगर हम डीवी पुट कर दें तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। ठीक है, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। अब आगे देखो क्या होता है। अब ये जब वर्क डन आ गया तो दिस वर्क डन स्टोर एज एनर्जी
इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे प्रोवाइड करेगा ये कंडक्टर, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा ये वर्क डन। तो वर्क डन डी डब्ल्यू ही डी यू के इक्वल हो जाएगा, डी यू इज द एनर्जी एंड डी डब्ल्यू इज द वर्क डन, दोनों इक्वल हो जाते हैं, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इनटू डीवी। अब अगर हम डीवी को डिवाइड कर दें देन वी गेट डी यू बाई डी वी इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। वॉट इज द टर्म डी यू डी वी रिप्रेजेंट, डी यू डी वी एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, टोटल एनर्जी, डी यू इज द टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाई डी वी इज द टोटल वॉल्यूम एंड द रेशियो ऑफ टोटल एनर्जी एंड टोटल वॉल्यूम इज कॉल्ड एनर्जी डेंसिटी। तो आप अगर एनर्जी डेंसिटी का यूनिट भी देखो तो जूल पर मीटर क्यूब, ये ध्यान रखना एनर्जी डेंसिटी की यूनिट जूल नहीं होती है, क्या होती है जूल पर मीटर क्यूब। इससे आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड कर सकते हो। तो इसको डी यू बाई डी वी को हम एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं, जिसको मैं लिखूंगा यू वी, ठीक है। तो इसको अगर मैंने यू वी लिख दिया देन वी गेट सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, और मैंने इसी फॉर्मूले को आपको पिछले वीडियो में चेंज करवाया था एक और फॉर्मूला हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। तो ये कैसे आता है आप इसकी पिछली वीडियो देख सकते हो, जिसने नहीं देखी है। सिग्मा को हम यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इनटू ई लिख देते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट ई लिखने के बाद हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है। तो ये दोनों ही फॉर्मूले पिछले वाले टॉपिक के बिल्कुल जैसे ही हैं। तो चाहे तो आप प्रेशर निकालो, प्रेशर भी इतना ही आएगा, जब इस कंडक्टिंग स्फीयर पर प्रेशर निकालते हैं वो भी इतना ही आता है, और प्रेशर निकालो तो भी इतना आ रहा है, और यूनिट वॉल्यूम पर जो एनर्जी आ रही है उसका फॉर्मूला भी वही आता है, सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट या फिर वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये दोनों सेम आते हैं। तो ये पूरा हमारा एक टॉपिक है। अब इसके बाद अगला टॉपिक, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज सूप बबल। ये देखो इस टॉपिक में हम एक बबल ले रहे हैं, सोप बबल है, ये देखो ये सोप बबल, अभी इसको चार्ज नहीं किया मैंने, इस सोप बबल को अभी मैंने चार्ज नहीं किया है। तो क्या इस पर कोई प्रेशर लगता है? बिल्कुल लगता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, सरफेस टेंशन की वजह से अंदर की तरफ इनवर्स डायरेक्शन में प्रेशर लगता है 4T अपॉन कैपिटल R, ठीक है। सरफेस टेंशन एक प्रेशर डेवलप करता है बबल पर अंदर की तरफ, सरफेस टेंशन का काम यही होता है, वो किसी भी सरफेस पर जो लिक्विड की सरफेस होती है उसको दबाने की कोशिश करता है। तो चारों तरफ से जब ये दबाएगा तो एक प्रेशर बनेगा 4T अपॉन R इनवर्स डायरेक्शन में। अब अगर मैं इसको चार्ज कर देता हूँ, अब मैंने इसको चार्ज दे दिया, तो अब चार्ज देते ही अभी 12th आ गई क्लास, पहले कौन सी क्लास थी 11th, 40 अपॉन आर। अब चार्ज कहाँ पे आया 12th क्लास में, तो क्या हुआ अब आउटवर्स डायरेक्शन में भी एक प्रेशर लगने लग जाएगा, जो अभी हमने पढ़ रहे हैं अभी पिछले टॉपिक्स में हमने पढ़ा, वो होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये कौन सी क्लास का है प्रेशर 11th का, ये कौन सी क्लास का है 12th का। अब दोनों प्रेशर एक साथ लग गए बबल पर, एक प्रेशर लगता है अंदर की तरफ और एक लगता है बाहर की तरफ। अब क्या होता क्या है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है 4T अपॉन R माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, अभी हमने थोड़ा सा ही चार्ज दिया है तो इसलिए ये कम होता है ये ज्यादा होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है इसे हम एक्सेस प्रेशर कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? एक्सेस प्रेशर। और एक्सेस प्रेशर होना बहुत जरूरी है, अगर बबल है तो इसका मतलब उसका एक्सेस प्रेशर या तो जीरो है और या फिर कुछ भी वैल्यू उसकी पॉजिटिव है, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव का मतलब ये बड़ा नहीं हो सकता कभी भी, हमेशा 4T अपॉन R ही बड़ा रहेगा, ये बबल होने की शर्त होती है, 4T अपॉन R ऑलवेज ग्रेटर देन सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट या फिर 4T अपॉन R इज इक्वल टू, ये भी हो सकता है, पर 4T अपॉन R नेवर लेस देन टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये कभी नहीं हो सकता, 40 अपॉन आर कभी भी छोटा सिग्मा स्क्वायर अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट से नहीं हो सकता, ये इसका एक कंडीशन होती है, बबल होगा तो ये पक्का होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस पी एक्स, मतलब एक्सेस प्रेशर।
अब क्या हुआ बच्चों, मैंने इसके चार्ज को, जो इसका चार्ज था क्यू सरफेस पर, इसको इंक्रीज करना स्टार्ट किया और चार्ज दे दिया मैंने इसको। जैसे ही मैं इसको चार्ज इंक्रीज करूंगा, सिग्मा इंक्रीज होगा, क्योंकि सिग्मा क्यू अपॉन एस होता है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर मैं चार्ज इंक्रीज करूंगा, एरिया तो उतने का उतना है, एरिया तो इंक्रीज नहीं हो रहा, एरिया कॉन्स्टेंट है, क्यू को मैंने इंक्रीज करा तो सिग्मा भी इंक्रीज हुआ। अब सिग्मा अगर इंक्रीज हुआ तो क्या होगा, ये वाला प्रेशर भी इंक्रीज होगा। अब ये प्रेशर जब इंक्रीज होता जाएगा तो एक सिचुएशन आएगी जब 40 अपॉन आर और सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल हो जाएंगे, और जब ये इक्वल हो गए तो एक्सेस प्रेशर जीरो हो जाएगा। हो जाएगा भाई, ये वाला प्रेशर हमेशा बढ़ा था इससे, लेकिन मैंने चार्ज को इंक्रीज कर करके इस प्रेशर को बढ़ाया, बाहर वाले आउटवर्ड्स प्रेशर को, प्रेशर बढ़ बढ़ के जब इसके इक्वल हो गया, देन पी एक्स इज इक्वल टू जीरो। दिस कंडीशन इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन। इसको क्या कहते हैं, बैलेंस कंडीशन। अगर आप अभी भी नहीं माने और आपने अभी भी चार्ज दे दिया इस बबल को, तो फिर क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा, ये कभी हो नहीं सकता, यानी बबल बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये कंडीशन आपको लेनी है बैलेंस वाली। अब बैलेंस वाली कंडीशन लेने के बाद क्लियर है कहानी, दो प्रेशर लगाने हैं, इनमें पहले आपको बताना है एक्सेस प्रेशर क्या होता है, दोनों का डिफरेंस, फिर धीरे धीरे इस वाले प्रेशर को इंक्रीज करना है। कैसे इंक्रीज करोगे, चार्ज को इंक्रीज कर करके। तो जब ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो एक्सेस प्रेशर जीरो हो जाएगा, और इसे बोलेंगे बैलेंस कंडीशन ऑफ द चार्ज सोप बबल। अब आगे क्या होगा, यही कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें दोनों प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। न्यूमेरिकल के लिए कई सारे फॉर्मूले यहां से बन सकते हैं, जैसे मैं रेडियस निकालना चाहता हूं, अगर इससे मैं रेडियस निकाल सकता हूं कैपिटल आर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, 8 एप्सिलॉन नॉट इनटू टी, और सिग्मा स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा। तो टी ध्यान रखना या टेंशन है, सरफेस टेंशन, ये ध्यान रखना, और बाकी सिग्मा तो आपको पता ही, एप्सिलॉन नॉट पता ही है, रेडियस आ गई। इसके बाद अगर आपको सिग्मा निकालना है, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो सिग्मा यहां से आ जाएगा, सिग्मा 8 रूट में आएगा, 8 टी एप्सिलॉन नॉट अपॉन आर, ये सिग्मा आ गया। अगर आप चार्ज निकालना चाहते हो कि उस सोप बबल पे कितना चार्ज है बैलेंस कंडीशन में, तो चार्ज के लिए पहले सिग्मा को आप क्या लिख दोगे, सिग्मा होता है क्यू इंटू एस, तो q इंटू फोर पाई, सॉरी q अपॉन s, q अपॉन फोर पाई r स्क्वायर लिख दोगे, q अपॉन फोर पाई r स्क्वायर, या स्मॉल r ले लेना या कैपिटल r, जो भी चाहो वो यहां पे ले सकते हो, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r के इक्वल। यहां से q अगर फाइंड करना है तो रूट ऑफ 8 एप्सिलॉन नॉट t अपॉन r इंटू फोर पाई r स्क्वायर। तो यहां से चार्ज आ गया। अब आप चाहते हो इसको सॉल्व करना और भी, तो आप क्या कर सकते हो कि ये 4 पाई आर स्क्वायर चला गया आपका मल्टीप्लाई में, ठीक है। और यहां पर आपका एक बार क्लियर कर लें, 8 टी एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से आपके पास चार्ज आ जाएगा इस आर स्क्वायर, 4 पाई यहां लिख दो, रूट लगाओ, 4 पाई तो बाहर ही रहने दो, 8 एप्सिलॉन नॉट टी, और ये आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर को मैं रूट आर फोर लिख सकता हूं, आर स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, रूट आर फोर, और अपॉन में है रूट आर, तो एक रूट आर से एक रूट आर जब कट हो जाएगा तो आर क्यूब बचेगा, वो भी रूट के अंदर, ठीक है। आर स्क्वायर रूट से बाहर था, पर मुझे तो इसको रूट के अंदर लेना है, तो आर फोर लिखना पड़ेगा मुझे, और एक आर से एक आर कट होके केवल क्या बचेगा, आर क्यूब। तो ये मेरे पास चार्ज का फॉर्मूला है, तो इससे मैं चार्ज निकाल सकता हूं, सरफेस चार्ज डेंसिटी रेडियस। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो आप, तो न्यूमेरिकल जब आता है तो इनको इक्वल कर लो, और इक्वल करके जो भी पूछा गया है आर सिग्मा क्यू, उस हिसाब से आप इसको निकाल सकते हो। ये आपके लास्ट टॉपिक है बिल्कुल, अब ये खत्म हो चुका है, न्यूमेरिकल्स रह रहे हैं दो चार, वो करेंगे अब इसके बाद।